अस्सलाम क्या फल निकाल रहे? ख्याल तो मेरा भी यही। क्यों खैरियत, कोई तकलीफ है आपको? खैरियत कहाँ, तकलीफ ही तकलीफ है। गुलिस्तान लिमिटेड के कैलेंडर की तस्वीरों ने परेशान कर रखा है। कई फोटोग्राफरों की तस्वीरों ने भेज चुका हूँ मगर उन्हें पसंद ही नहीं आती। क्यों भाई? वो तो कुछ अजीब और गरीब किस्म की तस्वीरें मांगते हैं। कहते थे ऐसे दिलकश और दिल फरेब मनाजिर हों के लोग देखते के देखते रह जाएं। वैसे जमील भाई, ये आर्डर हमारी फर्म को ही मिलना चाहिए। तुम्हारी नायग्रा फाल क्या कहती है? मेरी फाल तो कहती है कि ये ऑर्डर हमारी फर्म को मिलेगा। तो फिर जरूर मिलेगा। तुम ऐसा करो, तस्वीरें और फाइलें मेरे कमरे में भिजवा दो, मैं खुद लेके आता हूँ। सायता खानम, आप टंडू जान, वो गुलिस्तान लिमिटेड की फोटो और फाइलें जरा मुझे दे दीजिए। जब आप टाइप करती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कोई पेटी पे भैरवी बजा रहा है। बड़े मीठे सुरों में आप टाइप करती हैं। फाइलें उठाइए और अंदर जाइए। फाइलें उठाइए और अंदर जाइए, अच्छा शेर है। क्या करते हो यार? I'm sorry. कहाँ है तस्वीर? आप ये तस्वीरें देखिए, मैं जरा इन लड़कियों को फोटो देखता हूँ। तस्वीरें तो अच्छी हैं। अच्छी क्या, बहुत अच्छी हैं। पता नहीं वो किस किस्म के फोटो चाहते हैं। अब उन्हें पिनअप्स के फोटो तो देने से रहे। वैसे इस साल उनका 3 लाख रुपए का पब्लिसिटी का बजट है और सिर्फ 50,000 रुपए इस कैलेंडर के हैं। कुछ भी हो, ये ऑर्डर हमें मिलना चाहिए। अगर आपके हाथ से इसी तरह ऑर्डर जाते रहे तो आपका क्या, आपका तो सिर्फ दफ्तर बंद होगा, मेरी शादी नहीं हो सकेगी। फिक्र ना करो, कोशिश के लेते हैं। दफ्तर भले बंद हो जाए, तुम्हारी शादी ना रुके। कनेक्ट मी टू 4221। हक साहब बोल रहे हैं? जी सलाम अलैकुम, मैं जमील बोल रहा हूँ एशियन एडवर्टाइजर से। जी हक साहब, वो कैलेंडर की तस्वीर के बारे में मालूम करना था। जी जी, आउटडोर सीनरीज। जी नहीं, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए। बात यह है कि मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा देता हूँ, दूसरी। जी हाँ, बेटर फोटोग्राफ्स। उसके लिए जी मैं खुद चला जाऊंगा। जी आज ही कल मैं चला जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। इस दफा आपको बहुत पसंद आएगी, है जी? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा जी, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। यार मेरा भी यही ख्याल था कि ये फोटो तुम्हें खुद ही खींचनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मुकाबले का यहाँ कोई फोटोग्राफर नहीं है। तुमने तो अच्छे अच्छों की फोटोएं खींच दी हैं। 50,000 रुपए का ऑर्डर है भाई, कहीं हाथ से न निकल जाए। मेरी शादी का सवाल? यार तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है, मुझे फर्म की रेपुटेशन का ख्याल है। ऑर्डर लेना है तो काम को जिम्मेदारी से करना होगा। आपने खूब याद दिलाया मिर्जा साहब, तशरीफ रखिए ना। आपको ध्यान होगा कि हमने कमसिनी में जमील मियाँ की मंगनी बड़े भाईजान की लड़की सबिया से कर दी थी। फिर अचानक जायदाद के मामलात पर नवाब साहब मरहूम और भाईजान के दरमियान मुकदमेबाजी शुरू हो गई और खानदानी ताल्लुकात कशीदा हो गए। जी हाँ, पिछले 15 सालों से जमीनों के मुकदमात चल रहे हैं, दोनों तरफ का लाखों रुपया बर्बाद हो चुका है। मिर्जा साहब, अगर आपका मशवरा हो तो मैं भाईजान से मुसालहत की कोशिश करूं। इसकी सूरत एक ये भी है कि मैं उन्हें जमील और सभिया की बचपन की मंगनी याद दिलाऊं। अगर उन्होंने रजामंदी का इजहार किया तो जायदाद के मुकदमात खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। क्या मजायका है बेगम साहिबा, जमील मियां की मंगेतर इस साल तालीम से फारिग हो चुकी हैं। मुमकिन है आपकी कोशिश से पुरानी रंजिशें दूर हो जाएं और बिगड़े हुए खानदान में ताल्लुकात फिर से इस्तवार हो जाएं। तो फिर ठीक है, मैं भाईजान को आज ही खत लिखती हूँ। मुझे इजाजत दीजिए, एक जरूरी काम के सिलसिले में मुझे वकील साहब के यहाँ जाना है। अब प्रॉब्लम यह है कि अम्मी जान से जाने की इजाजत कैसे ली जाए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हें इजाजत नहीं देंगे? पता ही नहीं देंगे, अभी पिछले हफ्ते तुम्हें काबल से वापस आया। तो भाई अब कहाँ जाना चाहते? थैंक यू सर। बात यह है कि गुलिस्तान लिमिटेड वालों को जिस किस्म की तस्वीरों की जरूरत है वो तो इस पाकिस्तानी से मिलेंगी। उसके लिए मुझे चटागांव, कॉक्स बाजार, रंगा माटी और कप्ताई जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई, अगर तुम हम दोनों के लिए इस पाकिस्तान से कुछ उम्दा किस्म के तोहफे तहाइफ लाने का वादा करो तो चची जान से परमिशन हम दिला देंगे। जो कहोगे ला दूंगा,
डन। थैंक यू। तुमने आज की ताजा खबर सुनी? कौन सी खबर? अगले महीने की किसी भी मुबारक तारीख को मेरी होने वाली बीवी की शादी हो रही है। अरे किससे? मुझसे और किससे? मुझे उस बदनसीब लड़की का नाम और घर का पता बता दो, ताकि मुझसे पहले आप उसके घर पहुंचे। जी नहीं, जाकर उसके वालदैन को पुरसा दे। आपकी बातों से आपके दिल के जलने की बू आ रही है, लेकिन आपके जलने सड़ने से कुछ नहीं होगा। ये शादी होके रहेगी। क्यों सैता खाना ना टट जाऊं? ओहो, तो दफ्तर में ये कुछ होता रहा, इसीलिए इतनी देर से हम की रट लगा रखी थी। तुमने मेरी सेक्रेटरी से मेरी जान के बगैर अंदर मार गई। मैंने रोमांस वोमेंस कोई नहीं लड़ाया, बात तो बुजुर्गों में तय पाई। मैंने अपनी अम्मा को इसकी अम्मा के पास भेजा, फिर इसके अब्बा मेरे अब्बा से मिले, फिर इसकी अम्मा मेरे अब्बा से मिली, फिर इसके अब्बा अम्मा मेरे अब्बा अम्मा से मिले, और बात पक्की हो गई। ओहो, ये सब तफसील तो बात की। अगर तुम्हारे दिल में चोर नहीं था तो सबसे पहले तुमने अपनी अम्मा को इसकी अम्मा के पास क्यों भेजा? इसलिए कि मैंने अपने अब्बा को इसकी अम्मा के पास भेजना मुनासिब नहीं समझा। खैर, तुमने जायज तरीका इस्तेमाल किया, इसलिए पहली गलती समझते हुए माफ करता हूँ। अब ये बताओ, अम्मी जान से इजाजत कैसे दिलाओगे? वो जी तोहफे तवायफ का मुआहदा हो गया। क्या तवायफ? हाँ। नहीं नहीं, इसका मतलब तहाइफ से है बीबी। हो गया भाई, हो गया। हो गया तो फिर अम्मी जान से इजाजत लेने की जिम्मेदारी मेरी। मेरे साथ घर चलो और फिर देखो तमाशा। वो पिछले हफ्ते तुम कान की सैर करके वापस आ रहे हो, अब फिर बाहर जाने की इजाजत मांग रहे हो। कलीम जी, मैं तो इसकी आवारगी से तंग आ गई हूँ, तुम भी कुछ इसे समझाओ ना। चची जान ठीक फरमा रही, अभी जुमा जुमा दो दिन हुए तुम कागान से वापस आए हो, फिर लंदन, पेरिस, रोम, जनेवा। अरे भाई, ये घर है या मुसाफिर खाना? इजाजत नहीं मिल सकती। क्या बक रहा है? ठीक बक रहा हूँ चची जान, इजाजत न दीजिए। आप इस डबल क्रॉसर की बात पर आ जाइए अम्मी जान, बस आखिरी बार इजाजत दीजिए, इसके बाद कहीं नहीं जाऊंगा। तुम हर दफा यही कहकर इजाजत मांगते हो और फिर एक नेटवर्क का प्रोग्राम बना लेती हो। मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी। बहुत बुरी बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चची जान को बात सुनिएगा। मगर वो लंदन। शायद आप तुम लंदन नहीं जाओगे, चची जान ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अबे मगर लंदन? अबे कौन सा लंदन? लंदन था जैसे ये पड़ोस में रखा हुआ है लंदन। अभी पिछले ही साल तुम हांगकांग घूम कर आए हो, अब लंदन? चची जान से मेरी एक बात सुनी। क्या बात है बेटे? आप आइए सुनिए तो। लंदन चची जान, मैं आपसे क्या अर्ज करूं? कल से नाक में दम किया हुआ है कि लंदन जाऊंगा, लंदन जाऊंगा। मैंने कहा भाई लंदन में क्या रखा है, अगर जाना ही है तो ईस्ट पाकिस्तान जाओ, ढाका देखो, चीटागांग देखो, रंगा माटी देखो। लेकिन उसकी समझ ही नहीं आता, वो तो ख्वाब में उठ के भी चीखता है लंदन पेरिस रोम, लंदन पेरिस रोम। चची जान, इतने गंदे नाइट क्लब है वहां कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी मेरा जैसा शरीफ आदमी भी कुल 2.5 घंटे से ज्यादा वहां नहीं बैठ सकता। अब आप बताइए। तुम ठीक कहते हो बेटा, तुम उसे समझाओ ना। लेकिन लेकिन ये ईस्ट पाकिस्तान में क्यों जाए? नहीं चची जान, बात दरअसल ये है कि ईस्ट पाकिस्तान में लीची और अनन्नास का मुरब्बा नहायत ही उम्दा और खालिस दस्तयाब होता है, जो आपके दिल और दमे की बीमारी के लिए नहायत ही अक्सीर साबित होगा। मेरी खाला की पुप्पी के छोटे भाई की दुल्हन की अम्मा को भी यही आर्जा था। चिटागांग के मुरब्बे की एक ही खुराक से शफा हासिल हो गई थी हमेशा के लिए। जी वाकई? जी हाँ। अब मैं आपसे झूठ बोलूंगा? मेरे ख्याल से आप चलिए, मैं उसे समझाता हूँ कि जाना है तो ईस्ट पाकिस्तान जाए, वरना और कहीं नहीं जा सकता। ये ठीक है बेटे, लंदन तो मैं किसी कीमत में नहीं जाने दूंगी। आइए उसे समझाते। देखो जी, हम लोगों में ये फैसला हुआ है कि तुम लंदन पेरिस रोम नहीं जाओगे। हाँ, अगर जाना ही है तो ईस्ट पाकिस्तान चलेगा। अबे तो आज तक बात समझा करो, मगर एक शर्त है। वो क्या? चची जान के लिए लीची और अनन्नास का मुरब्बा जरूर लाना होगा। चची जान को दिल और सांस की तकलीफ है और तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं। चची जान तशरीफ। भाई जान, आप सामान बांधिए और यहाँ से दफन हो जाइए। ठीक है अम्मी जान, जैसे आपकी मर्जी, मैं ईस्ट पाकिस्तान ही चला जाता हूँ। अब्दुल, ओ अब्दुल भाई, दवा ले आओ ना, देखते नहीं खुराक का वक्त हो गया है। बेटे जी, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम ही इसके एक अच्छे दोस्त हो। ये तो मेरा फर्ज था चची जान, मैं उसे इस पाकिस्तानी भेजना चाहता था।
फोटोग्राफर कैमरा जय महाराज। हम एक मुसाफिर सैर तफरी करता हुआ इधर आ गया, ठहरने के लिए जगह चाहिए। आप टूरिस्ट? टूरिस्ट टूरिस्ट उधर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस उधर जाओ, आप उधर जाओ। अच्छा आप पाइप पियो। बाय बाय। सलाम साहब, आप गालिबान चौकीदार? जी साहब। ये रेस्ट हाउस है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस है साहब। भाई मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिन ठहरने के लिए कमरा चाहिए। कोई बात नहीं साहब, रेस्ट हाउस बिल्कुल खाली है, आप ठहर सकता है। सूटकेस दीजिए। तुमने तो हमें डरा ही दिया था यार। कोई बात नहीं, चलिए साहब। खाने वाने का कोई इंतजाम हो जाएगा बाबा? हाँ वो तो राजा साहब के यहां से लाना होगा। आप गुसल कीजिए, हम खाना ले आएगा। राजा साहब कौन? हमरे जमींदार बाबू। ये सब चाय का बगीचा है ना, उनका है। ये जो भी मुसाफिर इस रेस्ट हाउस में आएगा खाना उनके यहां से आएगा मुफ्त। हाँ। अरे वाह, क्या नाम है उन सखी राजा साहब का? राजा फजलुर रहमान, बहुत ही अच्छे आदमी है। अच्छा, इसकी क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं, मुझे कुछ पहले ले लीजिए। मेहरबानी सरकार की। सलाम साहब, हमरा भी फोटो लीजिए ना सरकार। जरूर लेंगे, लेकिन ये फिल्म तो खत्म हो गई है, दूसरी डालेंगे, तुम्हारी तस्वीर जरूर लेंगे। हमको हमरा फोटो दीजिएगा ना सरकार? ये बात तो मुश्किल है, दरअसल मेरे पास फिल्म ढूंढने का प्रिंट निकालने का सामान नहीं है। क्रैश जाकर तुम्हारी तस्वीर भेज दूंगा। कप्ताय में बहुत फोटोग्राफरों की दुकान है सरकार। अच्छा, कप्ताय कितनी दूर है? थोड़ा दूर है सरकार, अगर आपको मांगता तो हम राजा साहब को बोलकर आपको उनका गाड़ी ले देगा। उनके पास गाड़ी है? तीन तीन ठो गाड़ी है सरकार। जो ऑफिसर लोग इधर रेस्ट हाउस में ठहरता, राजा साहब उसे अपना जीप भेजता। लेकिन हम तो अफसर नहीं बाबा, सिर्फ एक मुसाफिर। ऐसा भी क्या बात है साहब, आप इतना दूर से हमारा मुल्क घूमने के लिए आया, राजा साहब आपको जरूर गाड़ी देगा। खैर देखा जाएगा। नाश्ता तैयार? बिल्कुल तैयार है साहब, चलिए। राजा
जी हाँ हुजूर। गुड, चाय बहुत फर्स्ट क्लास बनाते हैं। दुआ है आपकी हुजूर। राजा साहब की गाड़ी आ गई। मैंने कहा था ना हुजूर, हाँ वो आपके लिए जरूर गाड़ी भेजेंगे। रमजू बाबा, ये तो सीमा बिटिया की आवाज है, बड़ी सुरीली। आया बिटिया। अगर आप दोपहर का खाना हमारे साथ खाएं तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं जरूर आऊंगा मिस सीमा। मैं आऊंगा नहीं, अभी चल रहा, मैं आपको लेने आई हूँ। फिर तो मैं भी चलता हूँ। हाँ बैठिए, मैं भी तैयार होता हूँ। मुझे क्या पता था इन पहाड़ियों में इतने अच्छे अच्छे लोग रहते। सीमा बिटिया को म्यूजिक और डांस का बहुत शौक है सरकार। वाकई आप बहुत अच्छा नाचती। जब आप नाच रही थी तो ऐसा मालूम हो रहा था सारी कायनात झूम रही। आप बनाइए नहीं। सच कह रहा हूँ, आपकी जान की कसम। चलिए, डैडी इंतजार कर रहे होंगे, आपने तो बहुत देर लगा दी है। ओ यस, आइए। अरे सीमा बिटिया, अब तुम्हारा बैग। Thank you.
السلام علیکم صاحب، آپ سے بھوج پالی صاحب سے آئے ہیں؟ جی ہاں، میں کراچی سے ہوں. بیٹھے کہیے، ہماری یہ جگہ پسند آئی؟ جی ہاں، جگہ سے زیادہ یہاں کے لوگ پسند آئے. دیکھیے نا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جنگلات میں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے. تھینک یو یانگ مین، تھینک یو. کراچی میں کہاں رہتے ہیں آپ؟ جی کیوٹن پہ ہمارا غریب خانہ ہے. میں بھی کراچی میں 7 سال رہ چکا ہوں. سیما وہیں پیدا ہوئی تھی. کلفٹن؟ کلفٹن ہوتا ہے آپ؟ جی کلفٹن میں میرے بڑے عزیز دوست رہتے تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، محمد شکیل. جی میں انہیں کا تو بیٹا ہوں. واٹ؟ جی جموں جموں میں. تو بڑا ہو گیا ہو سیما بیٹی. یہ تو اپنا گھر کا لڑکا ہے، ہمارے امی کے انتقال کے بعد اسے کے امی نے تمہیں پایا تھا. ایسا کرو، تم ڈرائیور سے کہو کہ ان کا سامان ریسٹ ہاؤس سے یہاں لے آیا. اس طرح کے کیا ضرورت؟ نو ٹاپ، تم گھر کا لڑکا گھر میں ہی رہو. دل تارا مجھے تیری نظر نے مارا رے. دل تارا پسینہ دل کے اندر دھڑکتا ہے سینہ رے. دل تارا چھوڑ دے میرا پیچھا پکارا رے. دل تارا دل تارا چھوڑ دے میرا پیچھا پکارا رے. دل تارا ہے پالا ہو گیا عشق گڑبڑ گھوٹالا رے. دل تارا چھوڑ دے میرا پیچھا پکارا. دل تارا جانے من دل کو دل میں چھپا لے اس مصیبت میں ڈالے رے. دل تارا مجھے تیری نظر نے مارا رے. دل تارا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ اس لباس میں آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں. شکریہ. آپ گھومنے نہیں چلیں گے؟ جی ہاں، لیکن میں تو کلکتہ ہی آنے کی سوچ رہا تھا، فلم ڈیولپ کرانی ہے. میں بھی آپ کو وہیں لے جانے کے لیے آئی تھی. آج ہمارے کلب میں ایک فنکشن ہے. وہاں کلب بھی ہے؟ تو
राजा चाचा भी चलेंगे? नहीं, यानी आप और मैं और आप। तो चलिए 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 आइए। गाड़ी रुकी मिस्सी ना। क्यों आप रुकी उसे? आइए आइए ना, अब आप यहां खड़े हो जाइए। क्यों? मैं आपकी तस्वीर लूंगा। ऐसा खुशनुमा मंजर और ऐसा दिलकश माहौल जिंदगी में कभी कभी देखने को मिलता है। जरा स्माइल। थैंक यू। अब ये कैमरा मुझे दे दीजिए और आप यहाँ खड़े हो जाइए। अब मैं आपकी तस्वीर लूंगी। श्योर। ओहो, एक ही चीज की कमी रह गई है। थैंक यू। आइए। तो फिर हो जाए। साथी है, मोस्ट पॉपुलर गाइड एंड वेरी स्वीट बॉय। ये जमील साहब है, मेरे डैडी के बहुत पुराने दोस्त के बेटे हैं। हमारे डैडी आपस में दोस्त थे, उनकी औलादें आपस में दोस्त हो गई। आप सीमा के दोस्त हैं, इसलिए हमारे भी दोस्त हैं। हाँ डैडो, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए बैठे। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। सोचता हूँ मैं भी बंगला सीख लूँ। अरे ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है, मैं आपको एक हफ्ते में बंगला सिखा दूंगी। हूँ वादा। वैसे थोड़ी सी बंगला तो मुझे आती है। वो क्या? आमी टॉमी के भालो भाषी। देखो यूसुफ, जमील साहब चंद दिनों के नहीं आए हैं, इन्हें खूब सैर करानी है। क्यों नहीं, तुम मसरूफ तो नहीं हो? मसरूफ हूँ भी तो क्या हूँ, तुम्हारा हुक्म कैसे टाल सकता हूँ। थैंक यू। गुड। जब तक जमील साहब यहाँ है तुम हमारे साथ रहोगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। मिस सीमा, इस जमील साहब में से अगर आप साहब निकाल दें तो बहुत अच्छी बात हो जाए। जमील साहब, अगर आप मिस सीमा से मिस निकालें तो और भी अच्छी बात होगी। Thank you.
तुम्हें नहीं बुलाऊंगा तो और किसे बुलाऊंगा? जी नहीं, मैं आपकी सेक्रेटरी नहीं हूँ, जमील साहब की। तो फिर उन्हीं से शादी कर लो। फजूल बातें मत करो जी, बताओ क्या काम है? लड़की, आज की डाक कहाँ है? ये क्या रखी है, इतना मोटा चश्मा पहन रखा फिर भी नजर नहीं आता। बारो, ये चश्मा खवातीन बीनी का है, डाक देखने का नहीं। बको मत जी। ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोशिश ना करो जी। तुम ये भूल रही हो कि तुम दफ्तर में मेरी सेक्रेटरी और दफ्तर के बाहर मेरी डार्लिंग मंगेतर हो। अगर तुमने दफ्तर में डार्लिंग मंगेतर और दफ्तर के बाहर सेक्रेटरी बनने की कोशिश की तो मेरी होम मिनिस्ट्री और मेरी फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों का खाना खराब हो जाएगा और मेरा जीना खराब हो जाएगा। कान खोल कर सुन लो जी, अगर तुम मुझे ज्यादा तंग करोगे तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। ऐ लड़की, तो दहशत पसंद होती जा रही है। मुझसे कुछ कहा आपने? जी नहीं। क्या है, क्यों मरे जा रहे हो? मरा जा रहा हूँ आप पे। शर्म नहीं आती, एक घंटे से घंटी बजा रहे, बाहर सारा स्टाफ हंस रहा। साहब, घंटी बजाने पे कोई कानूनी पाबंदी तो है नहीं, हमारा जब तक जी चाहेगा घंटी बजाएंगे, और अगर स्टाफ हंस रहा है तो इसमें घबराने की क्या बात है? जिस स्टाफ को बाकायदा तनख्वाह मिलेगी, साल में दो बोनस मिलेंगे, वो तो हंसेगा। तुम्हें तो इस कुर्सी ने पागल कर रखा है। मुझे पागल कर रखा है? आपने कोई बकवास? अगर दो चार दिन जमील भैया और ना आए तो तुम्हें पागल खाने भेजना पड़ेगा। जिंदगी भर जमील भैया ही कहना, क्योंकि करेक्टर के वो भी बहुत अच्छे हैं। ये तुम्हारे जमील भैया का खत आया है, गुलिस्तान लिमिटेड के लिए तस्वीरें भेजी हैं और लिखते हैं कि एक जरूरी काम के सिलसिले में उसे मशरकी पाकिस्तान 2-3 हफ्ते और रुकना पड़ेगा। 2-3 हफ्ते और? या मेरे अल्लाह। काबा उधर है बीबी, लेफ्ट को आके। एक्सक्यूज मी, टू लेडीज एंड वन जेंटलमैन। ओह आई एम सॉरी, वन लेडीज एंड टू जेंटलमैन। सर, हम इंटरनेशनल लॉटरी कंपनी की तरफ से आप लोग का खिदमत में टिकट बिक्री करने के वास्ते आया है। एक टिकट का दाम मात्र 10 टका, सिर्फ 10 रुपया। फर्स्ट प्राइज 5 लाख टका, सेकंड प्राइज 4 लाख टका, थर्ड प्राइज 3 लाख टका, फोर्थ प्राइज 2 लाख टका, फिफ्थ प्राइज 1 लाख टका। सीमा, तुम लॉटरी का टिकट लो, मैं डाब लेकर आता हूँ। सर, सर नहीं चाहिए भाई। 10 टका में 5 लाख टका मिलेगा सर। ले लेते हैं यूसुफ। मैडम, लो तीन दे दो। नाम बताना होगा साहब। जमील, यूसुफ और सीमा के नाम के। क्या रफ राजा टी एस्टेट चंद्रागोना। राजा टी एस्टेट चंद्रागोना। तुमने खामखा ले लिया सीमा, इसमें आता जाता कुछ भी नहीं। थैंक यू मैडम, विश यू गुड लक। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारे लिए भी ले लिया। मैंने तुम्हारे लिए डाब ले लिया। हाउ सेल्फिश, एक ही ना। डाब एक मिला, स्टॉक 3 मिले, मिलजुल कर गुजारा कर लेंगे। कम ऑन। <नहीं। laughs>
बिल्ली है दीवाने, अल बिल्ली और मस्ताने, हम साथी है दीवाने, अल बिल्ली और मस्ताने, दिल की लेकर प्यार की धुन पर गाते गाए गाने, हम साथी है दीवाने। प्यार का नाम करेंगे रोशन, हम तो हैं दीवाने। प्यार का नाम करेंगे रोशन, हम तो हैं दीवाने। दुनिया के होठों पे होंगे अपने ही अफसाने, हम साथी हैं दीवाने, अल पीले और मस्ताने, दिल पीले पर प्यार की धुन पर गाते जाए गाने, हम साथी हैं दीवाने। साथी है दीवाने, अल पीले और मस्ताने, दिल पीले पर प्यार की धुन पर गाते गाए गाने, हम साथी है दीवाने। प्यार की खातिर दे देंगे हम जान कभी नजराना, प्यार की खातिर दे देंगे हम जान कभी नजराना, जब हो रोशन प्यार कभी तक जले न क्यों परवाना, हम साथी हैं दीवाने, अल बेले और मस्ताने, दिल की लेकर प्यार की धुन पर गाते जाए गाने, हम साथी हैं दीवाने, अल बेले और मस्ताने, हम साथी हैं दीवाने, अल बेले और मस्ताने, हम साथी हैं दीवाने। आ गए तुम लोग। डैडी बहुत देर लगा दी बेबी, मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। अंकल मैं तो जल्दी आना चाहता था, सीमा ने देर लगाई। नहीं डैडी, हम लोग कब तक चले गए थे, वहाँ से लौटने में देर हो गई है। लौटने में देर हो गई है या तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है? मैंने भी खाना नहीं खाया। हमने कहा खाना खाया है डैडी। कासिम जल्दी जाओ खाना लगा दो। ये आप क्या लिख रहे हैं डैडी? तुम्हारी सालगिरह के मेहमानों की लिस्ट बना रहा हूँ बेबी। हाय डैडी, मैं तो भूल ही गई कि 14 तारीख को मेरी सालगिरह है। अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ लाहौर मरी चली जाती तो फिर आप मेरी सालगिरह कैसे मनाते? कैसे चली जाती तुम? इसीलिए तो मैंने तुम्हें छुट्टियों में सीधे घर वापस आने की हुक्म दिया था। सालगिरह के फंक्शन के बाद तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। जाओ बेटे, 14 तारीख को सीमा की सालगिरह है, इंतजाम में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। अरे अंकल ये कोई कहने की बात है, जाहिर सारा इंतजाम मैं करूंगा। तो हाँ, कराची से तुम्हारा खत आया हुआ है, तुम्हारा कमरे में रखा है। अच्छा ये क्या लग गया तुम्हारे बाजू, मैं खत पढ़कर भी आता हूँ। मैं अभी आती हूँ डैडी। रावलपिंडी से तुम्हारे मामू जान का खत आया है, वो और उनकी बेटी सबीहा इसी महीने की आखिरी तारीखों में कराची आने वाले हैं। उम्मीद है कि तुम उनके आने से पहले वापस आ जाओगे, वरना उन्हें बहुत मायूसी होगी। क्या बात है जिमी, किसका खत आया है? अम्मी का खत। खैरियत तो है ना? खैरियत तो है, लेकिन घर से इतनी दूर आने के बाद जब कभी घर से खत आता है तो आदमी उदास हो ही जाता है। क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो?
बहुत खुश हूँ सिमी। अगर तुम्हारा साथ ना होता तो मैं यहाँ से कभी का वापस चला जाता। ये तुम्हारा ही दम है कि मशरकी पाकिस्तान मेरे लिए जन्नत बन गया। तुम तो कभी कभी शायरों की सी बातें करते हो और शायर हमेशा झूठ बोलती है। जमीन आसमान चांद सितारों की बातें करती है और फिर थोड़ी देर के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तुम भी जब कराची जाओगे तो सब कुछ भूल जाओगे। क्यों नहीं सिमी, मैं उन लम्हों को कभी फरामोश नहीं कर सकता जो तुम्हारे साथ गुजरे। उनकी याद मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। सीमा बीबी, खाना तैयार है, बड़े साहब आप लोग को बुलाता है। अच्छा, हम आते हैं। चलिए जमी। हेलो सीमा, क्या मुझे मारने का इरादा था? हाँ, कल से तुम आए क्यों नहीं? तुम्हारा इंतजार करते करते मैं तुम्हें खुद ही लेने चली आई। अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? अब तो तुम अकेली नहीं हो। ओह डोंट पिसरे, तुम्हारी जरूरत तो मुझे हर वक्त है। जब तुम मेरे पास नहीं होते तो मेरा दिल इतना उदास होता है, इतना उदास होता है कि बस। सचमुच? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें चले बाबा, क्यों नाराज हो? तो फिर चलो मेरे साथ। मगर बीबी जी, कहाँ? जहाँ मैं ले जाना चाहूँ। तुम्हारे साथ तो मैं जिंदगी की आखिरी मंजिल तक चल सकता हूँ। खाना हमारे साथ खा लो, फिर कहीं घूमने फिरने चलेंगे। चलो चलो। हंसी है दिल जमा जमा, छा रही है मस्तियां यहाँ। जिधर नजर उठाई है बाहर ही बाहर है, जिधर नजर उठाई है बाहर ही बाहर है। कली कली पे रूप है, फूलों पे भी निखार है, चमन चमन सिंगार है। प्यार की सांस पे गा रहा है गीत आसमां, हंसी है दिल जमा जमा, छा रही है मस्तियां यहाँ। ये लहलहाती खेतियां, ये मुस्कुराती नदियां, ये लहलहाती खेतियां, ये मुस्कुराती नदियां, ये गुनगुनाती हाथियां, ये गीत गाती कश्तियां, ये मस्तियों के कारवां। प्यार के सांस पे गा रहा है गीत आसमां, हंसी है दिल जमा जमा, चल रही है मस्तियां यहाँ। लबों का रंग देख के
रंग ढल गए, लबों का रंग देख के गुलों के रंग ढल गए, चले जो आप नाज से हवा के रुख बदल गए, हजारों दिल मचल गए। प्यार के सांस गा रहा है गीत आसमान, हंसी है दिल जहां जहां, छा रही है मस्तियां यहां। ला 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 यूसुफ, कितना खूबसूरत इलाका है तुम्हारा, इंसान पागल हो जाता है। आप एक फूल लाई और यहाँ दो उम्मीदवार। यूसुफ तो घर का आदमी है, तुम मेहमान हो, फूल तुम्हें मिलेगा। शुक्रिया अदा करूँ? कोई जरूरत नहीं। अरे यूसुफ कहाँ चला गया? यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ठंडा हो गया। बिल्लिया, पहले वादा करो। अच्छा वादा, 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 वादा। एक वादा और, वो ये कि तुम मेरे साथ चलोगे। ओहो, मैं चलूंगी ना, कह तो रही, लेकिन डैडी को मना ना, तुम्हारा काम है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ लेकिन उन्हें एतराज क्या है? डैडी नहीं मानेंगे, उन्होंने आज तक कभी तस्वीर नहीं खिंचवाई। लेकिन मैं अम्मी को उनकी तस्वीर भेजना चाहता हूँ, अगर वो खुद नहीं खिंचाएंगे तो मैं किसी तरकीब से खुद खींच लूंगा, लेकिन खींचूंगा जरूर। अच्छा तुम अपना खत मुकम्मल कर लो, मैं अभी आती हूँ। मैं जल्दी आया ना, सारी जिंदगी खतीर लगता है। अच्छा पापा। हेलो यूसुफ, हाल में तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? सीमा में तुम्हें कितनी आवाजें थी, शायद तुम हम लोगों से नाराज हो गए। तुम मेरी नाराजगी की वजह अच्छी तरह जानते हो जमीन। सीमा के साथ तुम्हारी इतनी बेतकल्लुफी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बेतकल्लुफी? इस घर में एक मेहमान बनकर आए थे, चाचा ने तुम्हारी शराफत पर भरोसा करते हुए तुम्हें सीमा के साथ घूमने फिरने की इजाजत दी। मैंने एक भाई और एक दोस्त की तरह तुम्हें अपने सीने से लगाया, उसका तुम ये बदला दे रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो यूसुफ, क्या किया है मैंने? तुमने राजा चाचा के एतमाद को धोखा दिया है, एक दोस्त के दिल का सुकून लूटा है। तुम दो मोहब्बत करने वाले दिलों के दरमियान एक दीवार बनकर खड़े हो गए हो जमील। होश में आओ यूसुफ, तुम्हें ऐसी बेहूदा बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तुम एक अमीर बाप के बेटे हो जमील, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हें एक से एक अच्छी और खूबसूरत लड़की मिल सकती है, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास सीमा की मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी की हर खुशी, हर आंसू, हर लगन सीमा में सिमट कर रह गई है, तुम उसे भी मुझसे छीनना चाहते हो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो यूसुफ? इसलिए कि मेरी सीमा वो सीमा नहीं रही जो तुम्हारे यहां आने से पहले थी। मैं उसके बचपन का साथी हूँ, उसकी नजरें पहचानता हूँ। आज उसकी खूबसूरत आंखों के सितारे मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए चमकते हैं जमील। लेकिन याद रखो, मैं अपनी मोहब्बत को यूं लूटने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। सीमा मेरी है जमील, हमेशा मेरी रहेगी। तुम दीवाने हो गए यूसुफ, अगर सीमा तुमसे मोहब्बत करती है तो उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हो सकता है मेरी गरीबी मेरी खुशियों का कफन बन जाए, लेकिन मैं इतना जानता हूं जमील, मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, और इस दुनिया में उससे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जा सकता। तुम यहां से चले जाओ जमील, चले जाओ। सीमा, तुमने मेरे मेहमान की तौहीन करने की जरूरत कैसे की? तुम
तुमने जमील के गरबान पर हाथ कैसे डाला? तुम यहां से चले जाओ। ये तुम मुझसे कह रही हो सीमा? हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ। मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझती थी, लेकिन आज तुमने मेरे एतमाद का गला घोट दिया। सीमा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम चले जाओ, प्लीज गेट आउट। मैं चला जाता हूँ सीमा, मैं चला जाता हूँ। आज मैं सब कुछ हार गया, लेकिन याद रखो सीमा, तुम्हें एक ना एक दिन बदनसीब दोस्त जरूर याद आएगा। यूसुफ को माफ कर दो सीमा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत? अगर उसे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मुझे अपने रास्ते की दीवार समझकर मेरा दुश्मन ना बनता। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं तो सिर्फ उसे बचपन के साथी और अच्छा दोस्त समझती थी। आज उसने जो कुछ किया है, इसके बाद उसे दोस्त कहते हुए मुझे शर्म आती है। सीमा, क्या ये सच है? तुमने यूसुफ से कभी मोहब्बत नहीं की? हाँ जमील, यकीन करो, मैंने यूसुफ के बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं। सीमा, तुमने मेरे दिल के अंधेरों में उम्मीद के लाखों चिराग रोशन कर दिए, वरना मैं सारी जिंदगी इन अंधेरों में भटकता रहता। मेरी जिंदगी तुमसे नहीं जगमगा उठी थी, जिस रोज मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। सीमी, तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने अपने जज्बात का गला घोट दिया था। अगर तुम वाकई यूसुफ से मोहब्बत करती तो मैं अपने वीरान दिल के टुकड़े समेट कर यहां से चुपचाप चला जाता, क्योंकि मैं दो दिलों के दरमियान दीवार बनना नहीं चाहता था। लेकिन आज 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 तुमने मुझे नई जिंदगी दी है सीमा। आज मुझे जबान से भी कहने दो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सीमा, मैं तुमसे बहुत। यूसुफ मियां, वो यूसुफ मियां, सलाम चाचा। वालेकुम सलाम बेटी, कहो कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा भाई कहाँ है? जी वो अंदर है, आप अंदर चलिए ना। नहीं बेटी, मुझे जल्दी जाना है, तुम उसे बाहर भेज दो। हाँ जाओ। अच्छा। सलाम अलैकुम चाचा। ये आ गए। वालेकुम सलाम। अरे भाई तुम कहाँ हो, इतने दिनों से नजर ही नहीं आए। कल बेबी की सालगिरह है, तुम्हारे मदद के बगैर सब काम कैसे होगा? इतने ढेर सारे कार्ड बांटने हैं, खाने पीने का इंतजाम करना है, तुम तो जैसे पाँव में मेहंदी लगा के बैठ गए। तुम अभी मेरे साथ चलो। चलो चलो चलो। जी मैं। क्या बात है? जी वो सीमा ने। ओह, तो फिर सीमा से झगड़ा हो गया। देखा कुमकुम बेटी, ये लोग तो आपस में बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। अभी लड़ाई, अभी सुलह, अभी सुलह, अभी लड़ाई। अरे भाई, तुम्हारा बेबी से झगड़ा है ये मुझसे? तुम अगर मेरा हाथ नहीं बटाओगे तो मैं अकेला सारा काम कैसे निपटाऊंगा? क्या हुआ भैया, क्या चाचा से भी नाराज हो? कुमकुम तुम्हें नहीं मालूम, सीमा ने मुझे। मुझे सब कुछ मालूम है, मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम चाचा के साथ जाओ, मैं भी आके सीमा के कान खींचती हूँ। बड़ी आई मेरे भैया से लड़ने वाली। ये बात ठीक है, एक कान तुम खींचोगी, एक कान मैं खींचूंगा, उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और चलो चलो बैठो गाड़ी में, चलो चलो बैठ जाओ। माशाल्लाह, प्रोग्राम शुरू करोगे? मैं अभी आई डैडी,
चश्मे बद्दूर, आज तो चांद भी शर्मा जाएगा। जी, मुझसे कुछ कहा? चांद से? चांद तो बहुत दूर है। औरों के लिए होगा, मेरे तो बहुत करीब है। चलो बेबी, अब केक काटो, देर हो रही है। अच्छे डैडी। जाइए आप केक काटे, मैं आपकी ओर की दुआ करता हूँ। कहाँ चले गए थे? इजाजत हो तो एक छोटा सा तोहफा मैं भी पेश कर सकता। तुमने क्यों तकलीफ की है? तुम तो मेहमान हो। मेहमान तो और बहुत से, मैं तो घर वाला हूँ। बहुत शरीर हो। क्यों? मेरा मतलब है कि मेरा मतलब है कि मैं इसे खुद अपने हाथों से बनाऊं। इजाजत। तुम्हारी खुशी कितनी कीमती है, कितना खूबसूरत हार है। खूबसूरत तो तुम। शुक्रिया अदा करूं? कोई जरूरत नहीं। वो कौन सा हार है? इससे पहले कभी नहीं देखा। मेरे एक मरहूम दोस्त का बेटा है, कराची से आया। मैं अभी आप लोगों से मिलवाता हूँ। जमन मियां? ओ जमन मियां, अरे भाई यहाँ तो आओ, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊं। जी। मुबारक हो सिमरन। शुक्रिया। चाचा, आप हमें यूसुफ का गाना सुनाइए ना। किसी का गाना सुनाइए ना चाचा। हाँ हाँ जरूर सुनाएंगे। कुमकुम बेटी, कहाँ है यूसुफ? जी वो अभी तो यहीं थे। अच्छा, मैं देखता हूँ। यूसुफ मियां, वो यूसुफ मियां जी। अरे भाई, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? यूं ही चांद को देख रहा था। चांद? जी हाँ, देखिए ना कितना खूबसूरत है, लेकिन कितना दूर है। तुम तो पगले हो, आप चांद कहाँ दूर है? मियां हिम्मत करने वाले तो चांद तक पहुंच भी गए। खैर चलो, मेहमान तुम्हारा गाना सुनने के लिए बेताब है। कहते हैं यूसुफ के गाने के बगैर तो फंक्शन बिल्कुल फीका है। अब चल 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 चल। फिक्र करे शिकस्ता दिल है, शिकस्ता दिल है, किसी ने लिया लिया न लिया। जो कोई कीमती शय हो तो कोई फिक्र करे, शिकस्ता दिल है, किसी ने लिया लिया न लिया। जहाँ पे प्यार को दौलत से तोला जाता हो,
हर एक चीज का नीलाम बोला जाता हो। उबूल दिल का ये तोहफा किया किया न किया, शिकस्ता दिल है किसी ने लिया लिया न लिया। भंवर में हमने किनारों की आरज़ू की थी, जमीन पे रह के सितारों की आरज़ू की थी। जमीन का साथ फलक ने दिया दिया न दिया, शिकस्ता दिल है शिकस्ता दिल है किसी ने लिया लिया न लिया। नशीली आँखों का काजल तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे सर पे ये आँचल तुम्हें मुबारक हो। हमारा क्या है गरेबा सिया सिया न सिया, शिकस्ता दिल है शिकस्ता दिल है किसी ने लिया लिया न लिया। जो कोई कीमती शय हो तो कोई फिक्र करे, शिकस्ता दिल है किसी ने लिया लिया न लिया। जमील चुप चुप, क्या बात है? मुझे कल जाना होगा सीमा। क्यों? अम्मी जान का खत आया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे ही मुझे आए हुए बहुत दिन हो गए, दफ्तर का काम सफर कर रहा होगा। इतनी जल्दी जाना था तो फिर आए क्यों थे? काश मैं यहां ना आता या फिर तुमसे मुलाकात ना होती। जमील मुझे भी अपने साथ ले चलो। जान मैं तो सारी जिंदगी तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन राजा चाचा इजाजत नहीं देंगे। ओफो, क्यों नहीं देंगे? तुम कोई गैरत हो रही हो? जब उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ घूमने फिरने की आजादी दे रखी है तो फिर वहाँ तुम्हारे साथ जाने में क्या हर्ज है? मैं अभी जाकर डैडी से बात करती हूँ। अरे सीमा, सीमा सुनो तो, वो नाराज हो जाएंगे। डैडी मुझसे कभी नाराज नहीं होते, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आज तक उन्होंने मेरी कोई बात नहीं डाली। फर्ज करो उन्होंने इनकार कर दिया तो? फर्ज करने की जरूरत नहीं है साहब, अब भी मालूम हो जाएगा। मान जाए तो जिंदगी संवर जाएगी। मुझे तो इतराज नहीं बेटे, तुम साफ से जा सकती हो। मुझे फुर्सत होती तो मैं भी जरूर तुम्हारे साथ चलती। डैडी, अब तुम समझदार हो बेबी, अपना भला बुरा खूब समझती हो। मैं तुम्हारी हर खुशी में खुश हूं, लेकिन तुम जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। क्या मतलब डैडी? बेटी बेटी बहुत सी बातें ऐसी होती है जो सिर्फ माँ ही अपनी बेटी को बता सकती है। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो यह फर्ज वो अंजाम देती। आप मुझ पर भरोसा कीजिए डैडी, मैं आपके इत्मीनान को कभी धोखा नहीं दूंगी। मुझे यकीन है बेटी, जाओ अब रवानगी की तैयारी करो। No, thank you. क्या सोच रहे हो? सीमा मेरी अम्मी कुछ पुराने ख्यालात की औरत है, वो शायद तुम्हें इस लिबास में पसंद न करे। तो क्या मैं इसमें अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं, तुम अच्छी तो लगती हो, लेकिन अम्मी का अपनी बहू के बारे में कुछ और तसव्वुर है। साड़ी गरारा शलवार कमीज मशरकी लड़की। तुम जैसे चाहोगे मैं वैसे ही बन जाऊंगी। हाय सीमा, तुम कितनी अच्छी हो। अच्छा हाँ, जब मम्मी के सामने जाओ तो बड़े अदब से झुककर सलाम करना, ऐसे। आदाब चाची जान, जीती रहो बेटी। ये कौन लड़की है जमील? मैंने नहीं पहचाना। अरे अम्मी जान, ये अपने राजा साहब की बेटी सीमा है।
मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है। बेटी, तुम्हारी वालदा मरहुमा तो मेरी बहुत अजीज सहेली थी। उनके इंतकाल के बाद 3 साल तक मैंने तुम्हें पाला था। मेरी गुड़िया बेटी, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जमील बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया तुम इसे साथ ले आए। हाँ बेटी, तुम्हारे अब्बा कैसे हैं? जी अच्छे हैं। आपको सलाम अर्ज कर रहे थे। वालेकुम सलाम। बैठो बेटी। मिर्जा साहब, बिटिया का सामान ऊपर वाले कमरे में लगवा दीजिए और सादिक से कहिए कि नाश्ता लगा दे। अरे अम्मी, इसने तो जहाज मेरे हिस्से का नाश्ता भी कर लिया था। आओ बेटी बैठो। यार तुम यहाँ आ गए, मैंने तुम्हें खत लिखा था और उसमें खुशखबरी भी रख के भेजी थी। तुम्हारे 20 पैसे का नुकसान हो गया। चलो खुशखबरी अब सुना दो। खुशखबरी यह है कि जो तस्वीर तुमने वहाँ से भेजी थी वो कंपनी ने बेहद पसंद की है और कैलेंडर के अलावा हमें पूरे साल की पब्लिसिटी भी दे दी। अरे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त खबर मिला आपने। अच्छा तुम ढाके से मेरे लिए कुछ लाने वाले थे? तो लड़की अच्छी है, बुरी नहीं। उधर अगर बुरी नजर से देखा तो आपके फोड़ दूंगा। वैसे कभी कभी अच्छी नजर से देख सकते हैं ना। हाँ, भाभी वाली नजर। अच्छा अच्छा, तुम्हारे लिए केल उठके से उसे ले जा, उसमें कुछ नारियल रखे। अच्छा नारियल ला हमारे लिए। अच्छा चाची जान, इजाजत आऊंगा। वालेकुम सलाम। सीमा बेटी, इसी घर में तुमने बचपन के 3 साल गुजारे हैं। ये तुम्हारा अपना घर है बेटी और मैं तुम्हारी माँ हूँ। तकल्लुफ बिल्कुल ना करना वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। जी नहीं चाची जान, तकल्लुफ होता तो मैं यहाँ आती कैसे? मैं तो इस घर को अपने घर समझ कर आई हूँ। जमील, तुम मेरे लिए मुरब्बा लाए? हाँ अम्मी जान, वो देखिए ना, दो भरे मर्तबान रखे, और जरूरत होगी तो राजा चाचा को लिख देंगे। हाँ बेटे, इस दिल के आरजे ने तो मुझे निढाल कर दिया है, शायद इस मुरब्बे से कुछ फायदा पहुँचे। बेगम साहिबा, नाश्ता लग गया। चलो बेटी, पहले नाश्ता कर लो। आजा आजा। नहीं खाया, दो चारने वाले ही खा लो। मुझे भूख नहीं है बिल्कुल, बस एक पहली चाय लेती हूँ। चाय चाय चाय, चाय से भी कहीं पेट भरता है। खाली पेट चाय पी पी कर तुम बीमार हो जाओगे। दो चार बिस्किट ही खा लो भैया। अच्छा लेती हूँ। भैया एक बात पूछूं? क्या है? सीमा से तुम्हारा कुछ ज्यादा झगड़ा हो गया क्या? उस रात सालगिरह की पार्टी में भी तुम दोनों कुछ खींचे खींचे से थे, फिर वो गीत तुमने शायद सीमा ही के लिए गाया था ना? चाकू, तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। क्यों नहीं भैया, इस दुनिया में मेरे सिवाय तुम्हारा और कौन है? जब उदास होते हो तो मेरा दिल भी गम में डूब जाता है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे अपने दिल का हाल नहीं बताओगे? क्या बताऊं कुमकुम, मुझे और परेशान ना करो। तुम ना बताओ भैया, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ। ऊपर देखकर भागने वाले हमेशा ठोकर खाकर गिरते हैं। सीमा बड़े बाप की बेटी है, हम गरीब लोग हैं, हमारा उनका क्या साथ? आलीशान बंगलों में रहने वाले झोंपड़ों की तस्वीरें तो बना सकते हैं, लेकिन उनमें रहना कभी पसंद नहीं करते। बचपन की यादों को जवानी के अरसू बना लोगे तो सारी जिंदगी कांटों की सेज बनकर रह जाएगी। तुम शायद ठीक कर रही हो कुमकुम, लेकिन मैं इतनी दूर निकल आया हूं कि अब लौटना भी चाहूं तो लौट नहीं सकता। मैं मजबूर हूं कुमकुम, मैं मजबूर। मेरे लिए चाय नहीं लाओगी? अभी लाती। Thank you.
हजरत चाचा, सलाम अलैकुम। जी मैं यूसुफ बोल रहा हूँ, देवी को बुला दीजिए, मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी मैं पाकिस्तान चलेगी, आप किसके साथ? तुम्हारे हुस्न के जलवे बिखर गए, जब भी तुम्हारे हुस्न के जलवे बिखर गए, खामोश बागियों के मुकद्दर समर गए। तुम जब भी मुझको प्यार से छूकर गुजर गए, तुम जब भी मुझको प्यार से छूकर गुजर गए, खामोश हसरतों के मुकद्दर संवर गए। तुम जब भी मुझको प्यार से छूकर गुजर गए, जब से प्यार की शोभी आई है, जब से प्यार की शोभी में शहनाइयां सी बजने लगी है फजाओं में, कलियों के रंग फूलों के चेहरे निखर गए। तुम्हारे हुस्न के जलवे बिखर गए, तुम्हारे हुस्न के जलवे बिखर गए, जलवे बिखर गए, जलवे बिखर गए। सलाम सीमा बेटी, कहो तुम्हारी सैर कैसी रही? बहुत अच्छी चाची जी, बड़ा मजा आया। कहाँ कहाँ घूमे हम लोग? मुल्तान, लाहौर, पिंडी, मणि, स्वात सब जगह गए हैं। एक जगह भी गए थे अम्मी जान। कहाँ बेटी? कीचो की मलिया। चाची जी, मणि में मेरी सहेलियों से भी मुलाकात होगी और फिर हमने खूब सैर की, खूब एंजॉय किया। आंटी
पश्चिमी पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा अच्छा बेटी सीमा, अब तुम जाकर आराम करो। जमील के मामू और उनकी लड़की सभी अभी यहाँ आई हुई है, खाने के वक्त तुम्हारी मुलाकात कराऊंगी। हाँ, बहुत अच्छा। मामू जान कब आए? अम्मी परसों रात को, मैंने उन्हें एक जरूरी काम से बुलवाया है। जमील बेटे, तुम्हें शायद इल्म होगा कि हमने बचपन में तुम्हारी मंगनी तुम्हारे मामू की लड़की सभीया से करती थी। जी हाँ, बाद में तुम्हारे वालिद मरहूम और भाईजान के दरमियान किसी बात पर तनाजा हो गया और वो बात वहीं ठप हो गई। सभीया ने इसी साल एमए का इम्तिहान पास किया है, बहुत खूबसूरत और शाइस्ता लड़की है। उसे देखने के बाद कल रात मैंने भाईजान से जिक्र किया तो वो भी बहुत खुश हुए। हमने अगले महीने की 15 तारीख को तुम्हारी और सभीया की शादी का फैसला किया है। मुझसे मशवरा किए बगैर आपको फैसला नहीं करना चाहिए था हमें। क्या मतलब? जिस लड़की को मैं जानता पहचानता नहीं, जिसके मिजाज से मैं वाकिफ नहीं, जिससे मुझे कोई कोई लगाव नहीं, उससे मैं हरगिज शादी नहीं करूंगा। क्या बकते हो? सभीया से बेहतर लड़की तुम्हें कहां मिल सकती है? शरीफ, खानदानी, तालीम याफ्ता और खूबसूरत, फिर वो तुम्हारी बचपन की मंगेतर भी है। वो मंगनी आपने की थी अम्मी जान, उसकी तमाम जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। मैंने हमेशा आपके हर हुक्म की इताअत की है, लेकिन मेरी शादी के बारे में आपका फैसला बिल्कुल गलत है। जमील, मैं फैसला कर चुकी हूँ कि तुम्हारी शादी सभीया से होगी, और तुम जानती हो कि मेरा हर फैसला अटल होता है। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। आप मुझे जान से मारती जी, मैं अब तक नहीं करूंगा अपनी जान, लेकिन शादी जिंदगी भर का सौदा है। खुदा के लिए मुझे शादी पर मजबूर न कीजिए, मुझे ऐसा मौका न दीजिए कि आपके हुक्म की नापरमानी हो। मैं तुम्हारे मामू से बात तय कर चुकी हूँ, बिगड़े हुए खानदानी ताल्लुकात को सुधारने का ये आखिरी मौका मैं किसी कीमत पर जाया होने नहीं दूंगी। ये मेरी आन का सवाल है, अब ये शादी होगी या जरूर होगी। ये शादी नहीं होगी अम्मी जान, अगर ये आपकी आन का सवाल है तो मेरी भी जिंदगी और मुस्तकबिल का सवाल है। मैं सीमा से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करने का वादा कर चुका हूँ, और सिवाय सीमा की कोई दूसरी लड़की मेरे शरीक हाथ नहीं बन सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। दिल बहुत कमजोर है जमील साहब, किसी अचानक सदमे की वजह से इनकी यह हालत हो गई, इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है, वरना किसी वक्त भी इनका दिल डूब सकता है। होश आने पर इन्हें यह कैप्सूल दीजिए, हर एक घंटे के बाद एक कैप्सूल, और मुझे इनकी हालत के बारे में इतला देते रहें। ओके डॉक्टर। शहर में न गाँव में, हकीकतों के पास बा, न शहर में न गाँव में, मोहब्बतों के कदरदा, न शहर में न गाँव में। ये तमाम उम्र हम वफा किया, आरज़ू किया किए तमाम उम्र हम वफा किया, आरज़ू हम वफा किया, आरज़ू मिले दिलों के राज़ दम, न शहर में
नगामों मोहब्बतों के फजरदा न शहर में न गाँव में जमीन नजर के हुक्मरान मिले हमें गली गली जमीन नजर के हुक्मरान मिले हमें गली गली मिले हमें गली गली मगर दिलों के हुक्मरान न शहर में न गाँव में मोहब्बतों के फजरदा न शहर में न गाँव में जो बन सके सदाए दिल जो जिंदगी सवार दे जो बन सके सदाए दिल जो जिंदगी सवार दे जो जिंदगी सवार दे तो एक निगाह महरबा न शहर में न गाँव में मोहब्बतों के कदरदा न शहर में न गाँव में न शहर में न गाँव में चेहरा उतरा उतरा क्यों है कहीं अम्मी की बीमारी की वजह से परेशान तो नहीं हो हाँ इसमें परेशानी कौन सी बात है अब वो अच्छी है चलो कहीं बाहर चलते हैं नहीं जमील अम्मी बीमार है हमारा तफरीह के लिए जाना बुरी बात है चलो छोड़ो यहीं बैठकर बातें करते हैं नहीं तुम अम्मी के पास जाओ उन्हें तुम्हारी दिमागदारी की जरूरत है और फिर तुम्हारी मामू जान भी पूरा मानेंगे अरे मैं अभी अम्मी के पास से आ रहा हूँ वो आराम से लेटी हुई है ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि अम्मी की बीमारी की वजह मैं हूं तुम ये तुमने कैसे सोच लिया जमील क्या ये बेहतर ना होगा कि मैं घर वापस चली जाऊं नहीं सिमी अब तुम दुल्हन बनकर ही अपने घर वापस जाओगी मैंने इस बारे में राजा चाचा को लिख दिया है उनके हाथ ही हमारा निकाह हो जाएगा और हम दोनों मिलकर पाकिस्तान जाएंगे बहुत सुहाना ख्वाब है जमील ये ख्वाब नहीं सीमी ख्वाब तो हमने कप्ताई में देखा था ये तो उसकी ताबीर है सच कहते हो जमील तुम कैसी बातें करती हो सीमी तुम्हें मुझ पर बात मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो हम एक दूसरे से बिछड़ जाए अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी ऐसा कभी नहीं होगा सीमी हम एक साथ जिएंगे एक साथ मरेंगे हमें दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती जमील ये मेरी इज्जत और आन का ही सवाल है जमील के मुस्तकबिल का भी है अगर वो सभिया से शादी नहीं करेगा तो भाईजान इसे अपनी तौहीन समझते हुए हमेशा के लिए हमसे नाराज हो जाएंगे जद्दी जायदाद के मुकदमे फिर शुरू हो जाएंगे अगर हम मुकदमे हार गए तो जमील का सारा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा
हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। तुम्हारा क्या मशवरा है बेटी? इन हालात में क्या जमील को इनकार करना चाहिए? बेटी, मैं जानती हूँ जमील तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि तुम उसकी बर्बादी कभी ना चाहोगी। तुम कभी ना चाहोगी कि वो अपने खानदान के लिए जिल्लत और रुसवाई का दाग बनकर रह जाए। मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि जमील के रास्ते से हट जाओ, उसे सभिया से शादी करने दो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं चाची जान, मैं आपका दिल दुखाने और जमील का मुस्तकबिल बर्बाद करने के लिए यहाँ नहीं आई। मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसके रास्ते से हट जाऊंगी, अपने घर वापस चली जाऊंगी और फिर मैं जमील के सामने कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। सीमा, तुम जमील से मोहब्बत करती हो ना? मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो फिर तुम उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाओ। मोहब्बत करने का ये मतलब तो नहीं होता कि इंसान जिसे चाहे उसे जरूर हासिल कर ले। मोहब्बत तो कुर्बानी का दूसरा नाम है। लेकिन मैं जमील के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम अपनी जिंदगी और मुसर्रतों के लिए अपने महबूब की जिंदगी से खेलना चाहती हो, उसका मुस्तकबिल बर्बाद करना चाहती हो। उसकी माँ को, जिसने अपना खून जिगर पिलाकर उसे पाला है, मौत के घाट उतारना चाहती हो। ये मोहब्बत कहाँ है? ये तो खुदगर्जी है, हवस है। इसे मोहब्बत कहकर मोहब्बत की तोहिन मत करो। नहीं, कसम खाती हूँ, मुझे जमील से मोहब्बत है। तो फिर खामोशी से अपने घर वापस चली जाओ, ताकि जमील अपने खानदान में अपनी माँ की मोहब्बत भरी आगोश में और अपने माहौल में सुकून और इत्मीनान की जिंदगी बसर कर सके। अच्छा, अगर अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके मैं जमील के दामन को मुसर्रत के फूलों से भर सकती हूँ, तो मैं ये जहर का प्याला पीने के लिए तैयार हूँ। कौन? जमील, दरवाजा खोलो। सीमा, दरवाजा नहीं खोलूंगी। सीमा, क्या हुआ? दरवाजा खोलो ना। तुम चले जाओ जमील, प्लीज तुम चले जाओ। सच कहा है किसी ने, हर काम का एक दाम होता है। अगर माल खर्च करने का हौसला हो तो बड़े से बड़ा काम आसान हो जाता है। यार, पहली आना बुझाओ कलीमुल्ला। अगर माल खर्च करो तो शाम से पहले पहले तुम्हारे मामू जान को यहाँ से 9-11 कर दो, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यार, तू इस बांस और बंसरी को किसी तरह रुखसत कर दे, मुंह मांगे पैसे दूंगा। वो लोग चले जाए तो अम्मी जान को मनाना आसान हो जाएगा। बरखुरदार, अगर तुम्हारे मामू जान शाम से पहले पहले अपने तान तंबूरे के साथ स्टेशन न पहुंच जाए तो मेरा नाम बदल देना भैया। अगर ऐसा हो जाए तो मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा मुरीद हो जाऊं। ये एहसास तो आप अपनी होने वाली बेगम के लिए रहने दीजिए। नियाजमंद ने ये फन बड़ी दौलत खर्च करके सीखा है। कुछ हरे लाल नोट दिखाओ, तबीयत में जलानी आए तो फिर उस्ताद कलीमुल्ला अपना फन दिखाए। तुम्हारी आंख में सूअर का बाल है। जब तक तुम्हारी जेब में माल है, बंदे की आंख में सूअर का बाल है, कंजूस का माल खाना हलाल है, और तुम्हारी जेब से माल निकलवाना, हाय हाय, कमाल है। दोस्त से रिश्वत लेते हो, अच्छे लगोगे। कितने प्यारे लो, मारो।
अगर काम नहीं हुआ तो वहां से काट लूंगा। बात सुनो बात सुनो, स्कीम तो बताओ, दांत से कट 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 कर रहे हो। अच्छा बेटी, अब बनाना तो चाय। कहाँ है वो नाबकार ना हंजार बदतवार जो अपना सिलसिला है हसब नजब मजनू और फरहाद से मिलाता है, मासूम और भोली भाली लड़कियों पर अपने झूठे इश्क का जादू चलाता है और फिर उन्हें तबाह बर्बाद करके पैपहे लगाता है पैपहे। आज आज मैं गोली चलाता हूँ। ये कौन अबुल हॉल है? महाजरत अपनी बंदूक की नाल जरा दूसरी तरफ घुमाओ, खुदा ना खास्ता कहीं घोड़ा वोड़ा ना दब जाए। घोड़ा वोड़ा तो रोज ही दबाते रहते हैं, आज कुछ गधा वधा दबाने आए हैं। जो कुछ पूछता हूँ सच बताओ, कहाँ है वो कोलंबस की औलाद? आज मैं गोली चला दूंगा। जनाब आप कौन है और किसे पूछ रहे हैं? रास्ते बड़ी प्यारी है आपकी, मगर खामोश। किबला मालूम होता है आप गुस्से में अंधे होकर गलत मकान में घुस आए हैं। ये घर कोलंबस की औलाद का नहीं बल्कि नवाब मोहम्मद शकील मरहूम के साहबजादे मोहम्मद जमील का है। उसी ना हंजार को तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आज मैं उसको उसके बाप की तरह मरहूम करके छोड़ूंगा। अरे साहब ऐसा जुल्म न कीजिए, इकलौती माँ का बेवा बेटा, बेवा माँ का इकलौता बेटा है, आखिर उस बेचारे ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है अजी, ये पूछिए कि क्या नहीं बिगाड़ा है। उस नाबकार ने मेरी होने वाली चौथी बेगम पर फरेफ्ता होकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जिंदगी बर्बाद कर दी है, ये आप क्या फरमा रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहा हूँ। आप उस नाबकार के क्या लगते हैं? जी कुछ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ मामू हूँ, मुझे नवाब हैदर अली कहते हैं। सलाम अलैकुम, हाथ मिलाइए। अजी आप नवाब हैदर अली हो या सुल्तान, आपका भांजा आज मेरे हाथ से मारा जाएगा और ऐन मुमकिन है कि इसी लपेट में आप भी यहाँ से गुजर जाएं। लिहाजा आप यहाँ से फौरन चले जाएं और उसके कफन दफन का बंदोबस्त करें, क्योंकि ऐन वक्त पे जरा दुश्वारी हो जाती है। तिल्ला गुस्सा थूक दीजिए। क्या फरमाया, गुस्सा थूक दूं? अरे आपके मुंह पर ना थूक दूं? तिल्ला आप तशरीफ तो रखिए, जरा सोचिए जरा समझिए, मुमकिन है आपको गलत फहमी हुई हो। मैं मतलब है बजाहर जमील मियां इस्तेमाश के नजर तो नहीं आते, जी नहीं तो हाँ। गलत फहमी? आप किस लाल बाग में रहते हैं हजरत, दावा बेदलील नहीं रखता, जी नहीं हाँ तो हूँ। गलत फहमी नंबर एक, गलत फहमी नंबर दो, गलत फहमी नंबर तीन। इसके अलावा तकरीबन एक दर्जन गलत फहमियाँ कराची के मुख्तलिफ महलों में आपके भांजे की जान कर रो रही हैं। ये करतूत है, देख रही हो सभी आप बेटी? मैं क्या देखूं अब्बू जान, आप ही देखिए। अब ये बताइए कि वो कमबख्त है कहाँ? जी इस वक्त वो घर में नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है। लेकिन लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जरा बर्दाश्त से काम लें, कि बंदूक बंदूक का खेल अच्छा नहीं होता, इससे बाज औकात आदमी मर जाता है। मैं अक्सर औकात आदमी मार दिया करता हूँ आपकी इत्तला के लिए। अगर मैंने उस मरदूत को जिंदा छोड़ दिया तो पता नहीं वो किस किस मासूम दोशीजा की जिंदगी बर्बाद करेगा। मुझे पता चला है कि आजकल वो किसी सीमा नामी लड़की से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा है, उसे शादी करने के सुहाने ख्वाब दिखा रहा है, बल्कि एक इंतहाई गैर मोतबिर इत्तला के मुताबिक वो लड़की इस घर में आ चुकी है। क्यों मोहतरमा, मैं कुछ गलत फरमा रहा हूँ? सबिया बेटी तुम सामान बांधकर रवानगी की तैयारी करो, हम आज ही शाम की गाड़ी से घर वापस चलेंगे। हाँ नहीं तो हाँ। बहुत अच्छा बुझान। मामू जान को अच्छी तरह यकीन दिला दिया ना कि मैं इंतहाई बदमाश आदमी हूँ। सिर्फ बदमाश? अरे मियाँ तुम तो निहायत ही जलील कमीने आवारा बदकिरदार और लोफर किस्म के आदमी हो। क्या वक्त आबे? नहीं मतलब मामू जान को मैंने ये समझा दिया और ता जिंदगी वो तुम्हें यही समझते रहेंगे।
That's good. चलो चलकर तमाशा देखते हैं। अरे तो कपड़े तो बदल लेने दो। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहा हूँ। शादी ब्याह को गुड़ियों का खेल थोड़ा ही है, जिंदगी भर का साथ होता है। वालिदैन की जरा सी गफलत, जरा सी उजरत, जरा सी हिमाकत से दो जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। आ नहीं तो आ। लेकिन मेरे बेटे में तो कोई ऐब नहीं। मैं कहाँ कहता हूँ कि तुम्हारे बेटे में कोई ऐब है। हो सकता है मेरी बेटी ही में कोई ऐब हो। एक दूसरे को समझने और परखने के लिए थोड़ी सी मोहलत तो चाहिए। मोहलत? जी हाँ, मोहलत। नीम है पेश मो लानते जबर लत, मोहलत। मुझे सबीहा की वालिदा से भी मशवरा करना है और फिर लड़की का इंदिया लेना भी जरूरी है। जो सूरत अहवाल होगी घर पहुंचकर तुम्हें मुत्तला कर दूंगा। तुम घबराओ नहीं, अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। हाँ वो किसी को भेज कर खैबर मेल के दो टिकट मंगवा दो। ऐसे भी क्या चलिए भाईजान, दो चार दिन तो रुक जाइए। नहीं, अब तुम माशाल्लाह तंदुरुस्त हो, मुझे भी वहाँ कुछ अशद जरूरी काम करने हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। आपसे मिलना है। आप यूसुफ साहब? जी तशरीफ रखिए। फरमाइए। आपको याद होगा कि 2 महीने पहले आपने लॉटरी का एक टिकट खरीदा था। लॉटरी का टिकट? जी हाँ, उस टिकट पर आपके नाम इनाम निकला है। इनाम क्या निकला है? यही कोई 5-10 हजार रुपए। मैं समझा शायद फर्स्ट प्राइस। अभी तक हमने तमाम टिकट चेक नहीं किए, हो सकता है ये इनाम की रकम 20,000 हो, 30,000 हो या 50,000 तक हो। अजय मोहतरम, आप हमें चाय तो पिलवाइए। जी हाँ, क्यों नहीं, जरूर। कुमकुम, कुमकुम जी भैया, जरा चाय तो बनाना। चाय तैयार है, अभी लाई भैया। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम पूछ सकते हैं कि आप इस रकम को कहाँ और कैसे खर्च करेंगे? कैसे खर्च करूंगा ये तो कह नहीं सकता, शायद कोई बिजनेस कर लूं। नहीं नहीं, मैं सबसे पहले वेस्ट पाकिस्तान जाऊंगा। वेस्ट पाकिस्तान क्यों? क्यों? वहां मेरा एक दोस्त रहता है, बेवफा दोस्त। सबसे पहले मैं उससे मिलने जाऊंगा, और ये लॉटरी का टिकट भी तो मुझे उसी ने लेकर दिया था। मैं नाम की सारी रकम उसकी शादी पर उसे तोहफे में दे दूंगा। तोहफा? जी हाँ, वो मेरा बहुत अजीज दोस्त है, जिंदगी से ज्यादा अजीज। उसे खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। मिस्टर यूसुफ, आपके नाम फर्स्ट प्राइज निकला है, 5,00,000 रुपए का फर्स्ट प्राइज।
क्यों शोर मचाया है भैया? ये गाड़ी हॉर्न से नहीं चलती है, ये पेट्रोल से चलती है। साहब आपने तो रास्ते बंद कर दिया है, हमारे धंधे का टाइम है, गाड़ी हटाइए ना। अबे इस चांदनी रात में तुम्हें धंधे की पड़ी हुई है? बड़े ही अनरोमेंटिक आदमी हो। इधर आओ, एक शेर सुना। याद आ जाते हैं वो लम्हे जो गुजरे उनके साथ, इस अकेली रात में ये चांदनी अच्छी नहीं। बात अच्छे उस्ताद, शेर तो भले का, मेरे को भी एक शेर याद आया। सुना भाई, तू भी सुना। रात का टाइम है, सब चांद सितारे निकल आए, और मैं कब से अपनी चांदनी का इंतजार कर रही हूँ। अरे वाह उस्ताद, तुम बहुत अच्छा शायर है। अभी हम तुम्हारे को एक गजल मारता है, सुनो। चलो भाई, देर हो रही। अरे साहब, हमें तो गजल सुनता पड़ा, आप बोलते देर ही हो रही है, आप भी गजल सुनिएगा। पहले तो मुझे छोड़ो, फिर आकर मुशायरा करते रहना। चलो। देखिए जनाब, ये गाड़ी तो यहाँ से हिल नहीं सकती, और आपकी गाड़ी इसके ऊपर से गुजर नहीं सकती। क्या मतलब? मेरा मतलब है, इस गाड़ी का मिजाज बिल्कुल माशूक के मिजाज की तरह है, एक मर्तबा बिगड़ जाए तो फिर बगैर महंगा प्रेजेंट दिए हुए नहीं संभलती। क्या खराबी हो गया साहब? अरे भाई, गियर फंस गया है, ब्रेक जाम हो गई है, पेट्रोल खत्म हो गया है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप इसे कंधे पे उठा के एक तरफ रख दीजिए जी। ये तो बड़ी मुश्किल है, अब क्या करोगे भाई? अपन क्या बोलेंगे साहब, आपको जाना कहाँ है, दस गज आगे जाके तो सड़क बंद हो जाती जी। मुझे 60A नंबर के बंगले में जाना है। तो ठीक है, उसे आप छुट्टी दीजिए, मैं आपको पैदल ड्रॉप कर जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मियाँ, आप अभी तक खड़े हैं? मैं तो नहीं आया क्या? नहीं जी, मैकेनिक भी नहीं आया, वो गेयर फंसा हुआ, मुसीबत हो। लीजिए जी, आपकी मुश्किल तो बहरहाल आसान हो गई। मिर्जा साहब, आप साहब को जरा अपने बंगले तक छोड़ाइए। आप जमील मियाँ से मिलने आए? जी नहीं, मैं सीमा से मिलने आया। गालिबन आप मशरकी पाकिस्तान से आए? जी, वो इस वक्त घर पर होंगी जी। हाँ, आइए आइए, तशरीफ लाइए। शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। ड्राइवर साहब, जब तक हमारा मैकेनिक नहीं आता है, हमारा आप एक शेर ही सुन लो। सुनाइए साहब। पन एक शरत है। अच्छा, आपकी भी शरत है? जी हाँ साहब, शरत यह है कि आपको ही मेरा एक गजल सुनना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। एक शेर पहले आपका, फिर एक गजल मेरा। अच्छा, फिर एक शेर आपका, फिर एक गजल मेरा। एक गजल से कुछ कम नहीं हो सकता? नहीं साहब, अरज किया है, तरन्नुम से सुनाता हूँ। अगर आपकी यूनियन ना होती ना, तब तक क्या झगड़ा हो गया होता। बच जाइए आप। आपका खुशी साथ, नहीं सुनते मत सुनो, हमारा क्या है। तशरीफ लाइए। ये मुसीमा का किला है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, आ जाओ। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं सीमा? यीशु, यीशु, मुझे यहां से ले चलो, खुदा के लिए मुझे यहां से ले चलो, यहां मेरा दिल घुट जाएगा। मुझे अपने साथ डैडी के पास ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं तो तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आया था सीमा। राजा चाचा ने बताया था कि जमील से कराची में तुम्हारी शादी होने वाली है। मैंने सोचा कि शादी से पहले। नहीं यीशु, ये सब गलत है, मैं जमील से शादी नहीं करूंगी, मुझे जल्दी यहां से ले चलो। क्या बात है सीमा, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम जमील से खुश नहीं हो? ये सब कुछ मैं तुम इस घर से बाहर चलकर बताऊंगी, अगर तुम ना आते तो मैं मर जाती। तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल था, तो मुझे खबर दी और मुझसे मिले बगैर कप्ताई से क्यों चली आई? तुम्हें क्या मालूम सीमा, तुम्हारे बाद मुझ पर क्या गुजरी? मुझे माफ कर दो यूसुफ, मुझसे भूल हुई, अब मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी, कभी जमील का नाम तक नहीं लूंगी।
कभी लौट कर यहाँ नहीं आऊंगी। तुम कहाँ ठहरे हो? इंटरकॉन्टिनेंटल में। ठहरो, मैं अभी कपड़े बदल कर तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम वहीं बैठ कर बातें करेंगे। चलो ईसु। यूसुफ से मुलाकात कराए बगैर उसे घर से ले जाओगी? हेलो यूसुफ। हेलो जमील। कराची कब आए? आज ही आए। अपने आने की इतला तो दी होती, मैं और सीमा तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ जाते। तुमने मुझे अपने जाने की इतला कब दी थी? ओह, तो तुमने बदला उतारा है। बदला समझते हो तो बदला ही सही। खैर, अब तुम कराची आए हो तो मेरे मेहमान हो, तुम इसी घर में ठहरना चाहिए। थैंक यू जमील, मैं होटल ही में ठीक हूँ। चलो अच्छा हुआ, यहाँ आने के बहाने तुम्हारी सीमा से सुलह तो हो गई। लेकिन तुम लोग इस वक्त जा कहाँ रहे हो? ये पूछने का आपको कोई हक नहीं मिस्टर जमील। मैं आपकी मेहमान जरूर हूँ, आपकी मुलाजिम नहीं। वैसे भी आपका सवाल एटिकेट के खिलाफ है। चलो ठहरो सीमा, ये पूछने का मुझे हक है या नहीं, मैं इस बहस में उलझना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंसानियत की तारीख में तुम पहली औरत नहीं हो जिसने एक मर्द के साथ ये सलूक किया है। लेकिन इस घर से बाहर जाने से पहले मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो वादे तुमने मुझसे किए थे क्या वो सब झूठ थे? जो इकरार तुमने किया था वो फरेब था? जो कसम तुमने खाई थी? मिस्टर जमील, हमने अच्छे दोस्त की तरह जिंदगी के चंद दिन एक साथ गुजारे हैं। अगर आप किसी गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं तो ये कसूर आपका है, मेरा नहीं। बड़ा मेहरबानी, दोस्ताना तालुकात में तलखी ना घोलिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। चलो यूसुफ। Thank you.
काफी सिंह। क्या हो गया ना सिमी, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो सिमी? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सुबह मुलाकात होगी, चले जाओ, चले प्लीज, चले जाओ, चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा सिमा, तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा, तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा और मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। सिमा दरवाजा खोलो, सिमा दरवाजा खोलो। जमील, ये क्या तमाशा है जमील? इतनी रात गए सीमा के कमरे का दरवाजा फिर टूटाने की तुम्हें कैसी जरूरत है? चलो अपने कमरे में आराम कर ले। तो जा रही हूँ आज जी दोपहर की फ्लाइट से, मैंने रात ही को सीट बुक कर ली थी। तुम बहुत नेक हो बेटी, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। अगर खानदानी मजबूरियां ना होती तो तुम जैसी नेक खूबसूरत और सादतमंद लड़की को अपनी बहू बनाकर मुझे नाज होता। मैं आपसे मिलने आई थी चाचा, जमील को खबर न होने दीजिए, मैं खामोशी से वापस जाना चाहती हूँ। बेटी, मैं तुम्हारे एहसान का बदला तो नहीं चुका सकती, तुम्हें दिल से दुआ देती हूँ, जहाँ रहो खुश रहो। जमील बेटे, क्या बात है बेटे, चुप चुप क्यों हो? अरे तुम्हें तो बहुत जोर का बुखार है, ये कैसा रोग पाल लिया तुमने बेटे? अब्दुल, अब्दुल जी। मेरा साला मिर्जा साहब आ गए जी। आ गए, उन्हें कहो फोन करके डॉक्टर को बुला लें, जमील मियां को बड़े जोर का बुखार है जी। बहुत अच्छा, लेट जाओ बेटे, आराम से लेट जाओ।
तबीयत बहुत खराब है, उन्हें तेज बुखार चढ़ा हुआ है। जी जी हाँ, फोन तशरीफ ले आइए। जी जी शुक्रिया। आप तशरीफ ले जा रही हैं मिस सीमा? जी हाँ, हमें टैक्सी ला दो। ये चलिए। आप कहाँ जा रही हैं? मैं इस वक्त से वापस जा रही हूँ मिर्जा साहब। जमील मियां को बीमारी की हालत में छोड़कर? मैं टिकट मंगा चुकी हूँ मिर्जा साहब, मजबूरी है। अच्छा खुदा लाइए, मैं कसम तेज टैक्सी पर पहुंचा दूँ। शुक्रिया।
एयरलाइंस की परवाज नंबर 723 ढाका जाने के लिए तैयार है। मुसाफिरों से दरख्वास्त की जाती है कि वो जहाज पर तशरीफ ले जाएं। शुक्रिया। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम इतनी आसानी से रंग रलिया मनाने नहीं जा सकती। तुम्हें इस टूटे हुए दिल की कीमत अदा करनी होगी अमीर। हट जाओ यूसुफ, मैं तुम्हारे लहू से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इस नागम के सर को चलने आया हूँ जो मुझे डस चुकी है और तुम्हें डसना चाहती है। इसके फरेब में मत आओ यूसुफ। इसकी मोहब्बत, इसकी मुस्कुराहट, इसका बोलपन सब धोखा है, फरेब है, झूठ है। हट जाओ यूसुफ। सीमा, मुझे जमीन से बात करने दो। तुम मुझे मारने आए हो, कितनी अच्छी बात है। मेरी इससे ज्यादा खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि तुम्हारी पिस्तौल की गोली मेरे सीने के पार हो जाए। चलाओ गोली। होश में आओ जमी, पागल ना मानो। सीमा की जिंदगी का ना सही, अपनी जिंदगी का तो ख्याल करो। मेरी जिंदगी जिसे मैं अपनी जिंदगी समझा था वो तो तुम्हारे साथ जा रही है। इसके चले जाने के बाद मेरे पास क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, मैं भी एक लाश हूं, एक जिंदा लाश। लेकिन अगर मैंने इसे जाने दिया तो ये अपनी झूठी मोहब्बत के जहर से न जाने कितनों को हलाक करेगी, कितने घर बर्बाद करेगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ सीमा। मैं तैयार हूं जमील। चलाओ पिस्तौल। सीमा। जमील, जमील मेरे बेटे, तुझे मेरे दूध की कसम है, मेरे सफेद बालों की कसम है। पिस्तौल चलाने से पहले मेरी एक बात सुन ले। सीमा मासूम है, बेगुनाह है। इसे मैंने वापस घर जाने पर मजबूर किया है। इसे मैंने कहा है कि ये अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर तेरे रास्ते से हट जाए। जबील बेटे, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, सीमा ने सिर्फ मेरी खुशी की खातिर अपनी मोहब्बत का गला घोटा है। पिस्तौल की नाक झुका दे बेटे, वरना जिंदगी भर खून के आंसू रोएगा और सीमा कभी लौट कर नहीं आएगी। इसकी सच्ची मोहब्बत ने मेरी झूठी आन को शिकस्त दे दी है। अब इसे मैं तुम्हारी दुल्हन बनाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ जमील बेटे, मेरे वादे का एतबार करो। अम्मी, ये नहीं हो सकता। ये सच है बेटे, मेरा यकीन करो। सीमा बेगुनाह है, ये सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है। पिस्तौल फेंक दो बेटे, फेंक दो पिस्तौल, फेंक दो बेटे, फेंक दो पिस्तौल। सीमा, क्या ये सच है? सीमा, सच है? जमील, सीमा, अच्छा हुआ मुझे मालूम हो गया कि तुम मुझसे नहीं जमील से मोहब्बत करती हो। मैंने भी तुमसे मोहब्बत की है सीमा, आज से नहीं, बचपन से, जब हम दोनों रेत के घरों में बनाया करते थे, आंख बिचौली खेला करते थे। अगर मोहब्बत की नाकामी जमील को इंतकाम लेने पर मजबूर कर सकती है सीमा, तो मैं भी एक इंसान हूं। मेरे सीने में भी एक दिल धड़कता है, वो दिल जो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें दीवाना मार चाहता है। लेकिन लेकिन तुमने जिसे हमेशा एक खिलौना समझा सीमा, जिससे अब तक तुम खेलती रही, अगर आज उस खेल को मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा सीमा, तुम अगर मोहब्बत की खातिर कुर्बानी दे सकती हो, जमील अगर मोहब्बत में पागल हो सकता है, तो मेरी मोहब्बत भी दीवानगी में बदल सकती है सीमा। आज इस बाजी में जमील से कभी हार नहीं मानूंगा। मैं आज तुमसे, जमील से और तमाम दुनिया से अपनी मोहब्बत की तौहीन का इंतकाम लूंगा। मैं आज उस दीवार को अपने हाथों से तोड़ दूंगा सीमा, उस दीवार को तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा उस दीवार को जो तुम मोहब्बत करने वाले दिलों के दरमियान आए हैं। यूसुफ, ये तुमने क्या किया पहले? ये तुमने क्या किया? यूसुफ,
के पास बा न शहर में